हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है अफबाऊ प्रिंसिपल। क्या टॉपिक है? अफबाऊ प्रिंसिपल। तो अफबाऊ प्रिंसिपल क्या है, समझते हैं। तो अफबाऊ, ये जो है अफबाऊ जो वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है? ये जर्मन वर्ड से लिया गया है। अफबाऊ जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है विल्ड। विल्ड, VULD, विल्ड मतलब बनाना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अफबाऊ प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अप इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब अफबाऊ प्रिंसिपल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसका कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है, रहेगा या भरेगा, वो किस आधार पे भरेगा? तो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब इंक्रीजिंग बढ़ते हुए ऊर्जा के आधार पर किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा। ये कहना है अफबाऊ प्रिंसिपल के का। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। तो कैसे भरेगा? तो इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी के आधार पे भरेगा, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स? पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा? जिस ऑर्बिटल का लोएस्ट एनर्जी होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। इस लाइन का ये कहना है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट, मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि बात कर रहा है इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में भरेगा। तो पहले जिसका, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर लास्ट में द ऑर्बिटल हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, जिस ऑर्बिटल का, जिस एटम के ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा वो बाद में भरेगा। इज फिल्ड अप इन लास्ट, वो एकदम लास्ट में भरेगा। जिस ऑर्बिटल का जितना एनर्जी उसके अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, और जिसका सबसे ज़्यादा ज़्यादा होगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन एकदम लास्ट में जाएगा। ये कहना है किसका? अफबाऊ प्रिंसिपल के अंतर्गत के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस आधार से भरेगा। तो याद रखना है फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे भरेगा। देखिए यहाँ देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह से है, कैसे इलेक्ट्रॉन किस पहले ऑर्बिटल में जाएंगे। सबसेल हम लोग पढ़ के आए हैं, सबसेल में ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो किस ऑर्बिटल में पहले जाएंगे इलेक्ट्रॉन? जिसका एनर्जी लेवल कम होगा, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, और इसी तरह से आगे प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन हम लोग को 5s तक बहुत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट मैं लेके आया हूँ कुछ चीज़, आप लोगों के लिए ही है ये सब। देखिए क्या है, ये नोट पॉइंट बना लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट गो टू दिज ऑर्बिट अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब ये जो ऑर्बिट, ये सब क्या है? ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, 7G, 7H, 7I, 6G, 6H, 5G, ये सब क्या है? ऑर्बिटल है। ठीक है, ये सब में क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में, जैसे नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग का मैक्सिमम 5s तक ही हो जाता है काम। तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब नॉर्मल कंडीशन में, इन सारे ऑर्बिटल का जो मैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, ये सारे का नॉर्मल कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किस ऑर्बिटल में नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते हैं,
तो यहाँ से याद रखिएगा 5G, 6G, CH, 7G, 7S, 7I में इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में फिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए।